हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सेल फाइल में कैसे राइट और रॉन्ग का साइन लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राइट का साइन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सिंबल, सिंबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फॉन्ट आ रहा होगा, यहाँ पर फॉन्ट को सर्च करेंगे विंग डिप्स, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद स्क्रॉल को डाउन करेंगे यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर राइट और रॉन्ग के साइन मिल जाते हैं आपको। क्लिक करेंगे, क्लिक कर में इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए राइट का साइन इंसर्ट हो गया। आप रॉन्ग पर क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो रॉन्ग का साइन इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमने करा कि सिंबल पर क्लिक करके। अगर इसका शॉर्टकट, इनका क्या शॉर्टकट होता है जिससे कि राइट और रॉन्ग के साइन को इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप क्लिक करेंगे इक्वल टू कैर, कैर में लिखेंगे 251, एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद में आप इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे विंग डिंग्स को, तो आप देखेंगे ये रॉन्ग का साइन बन गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कैर 252, एंटर करेंगे, यहां से फॉर्मेट कर देंगे प्रिंटर, देखिए राइट का साइन बन गया। इसी प्रकार से इसमें एक कैर 253 फॉर्मेट कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बॉक्स में रॉन्ग का साइन बन गया। कैर 254 एंटर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे फॉर्मेट फिल्टर से, देखिए बॉक्स में राइट का साइन बन गया। कैर 251 से 254 तक रॉन्ग और राइट के साइन को हम बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।